Okay, so now, ladies and gentlemen, आमतौर पे जब हम कोई भी ऐसा अवार्ड शो, कोई भी ऐसा फेस्टिवल करते हैं, तो जो सेगमेंट में अभी इसको शुरू करने जा रहा हूं वो एक्चुअली में हमेशा अंत में होता है, लेकिन सिंटा ने समझाया कि अंत नहीं, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी. And that's the reason, ladies and gentlemen, we start our festival with Cinta Hall of Fame Awards. We have some legendary people amongst us. और मैं चाहूंगा कि जब मैं हमारे legends का नाम लूँ तो आपकी गर्म जोशी की तालियां होनी चाहिए. एक एक्टर 1.25 लाख के बराबर है. एक बार जबरदस्त तालियों के साथ let's start our Cinta Hall of Fame Awards. सबसे पहले मैं स्टेज पे उन्हें दावत देना चाहूंगा जो जब भी मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं आई एम अ यंग मैन अननोन. रमेश देव, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रमेश देव. यार तूने तो मराठी में कहावत है कि हरभऱ्याच्या झाडावर चढवायचं, ऐसा उन्होंने मुझे इतना मोहब्बत जगा दिया है, कह नहीं सकता. 1947 में मैंने चेहरे को कलर लगाया और वो भी पृथ्वीराज कपूर के साथ और वो कोल्हापुर में. लकीली मैं कभी इच्छा ही नहीं थी मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आने की. मैं तो मिलिट्री में जाना वाला, पुलिस में जाने वाला था. नहीं जाते हुए मेरी गाड़ी का टर्न हो गया और वहाँ मैं आर्टिस्ट बन गया. वहाँ से लेकर आज तक यानी 4 दिन के पहले भी मैंने शूटिंग की है. मैं 1993 में, तो बात क्या है कि पैसे से ज़्यादा हम कीमत देता हूँ. कम से कम मैं आप लोगों की तालियाँ, हंसी और सीटियाँ वो अगर मुझे नहीं मिली, ड्रामा में काम करते वक्त अगर ये मुझे नहीं मिली ना तो मैं नर्वस हो जाता हूँ. मेरी वाइफ वहाँ बैठी है, मैं अंदर आके बोलता हूँ कि आज यार अपना आज तकदीर अच्छी नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं. एक छोटी सी मेरे एक शिकायत है जनाब आपके वजह कि मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. इतनी मेरी जर्नी 1947 से लेके आज तक. लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इनके साथ काम करने का कभी मौका नहीं आया था. कोशिश की थी, नहीं. अच्छा भाई, धन्यवाद चिंता के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी. आप लोगों ने मुझे इतना ऑनर दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, दिल जान से शुक्रगुजार. सो थैंक यू सो मच रमेश जी. थैंक यू सो मच सर.